अब मैं आपको इस वीडियो से सेल्फ की एंट्री कैसे करनी है वो बताऊंगा। तो सेल्फ की एंट्री करने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है, फिर F8 करके सेल्स बटन दबाना है और आपकी सेल्स की वाउचर टाइप सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पे ये जो नंबर है वहां पे सेलर का सेल्फ इनवॉइस नंबर आपको लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ 25। F2 से आपको सेलर का इनवॉइस डेट लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ 2/4। एंट्री डेट अगर ये आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, नहीं तो एंटर मार के उसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। एंट्री डेट यानी कि सेलर का जो सेल्स इनवॉइस का डेट है, सपोज 2/4 है और आप जब टैली में एंट्री कर रहे हो आपको रिसीव्ड हुआ है 3 तारीख को वो इनवॉइस, और आप एंट्री 3 तारीख को कर रहे हो तो आपको यहाँ पे लिखना है 3/4। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप मेंटेन करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो उसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। अब यहाँ पे आपको पहले बायर नेम सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने सिलेक्ट किया बायर है। उसके बाद यहाँ पे उसके जो पेंडिंग ऑर्डर से वो डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर आपका ये सेल्स किसी ऑर्डर के सामने हुआ है, इंडेंट के सामने हुआ है, तो आपको यहाँ से ऑर्डर नंबर सिलेक्ट करना है। अगर डायरेक्ट सेल है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल या एंड ऑफ लिस्ट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि ये सपोज मेरा ऑर्डर नंबर 1 के सामने का डिस्पैच है, तो मैंने ऑर्डर नंबर 1 सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया, सारा डिटेल अपने आप आ जाएगा। ये सारे फील्ड स्किप फॉरवर्ड है, यानी जब एंटर मारोगे तो सब जंप करके सीधा ट्रांसपोर्ट पे आ जाएगा। अगर आपको कोई भी डिटेल चेंज करनी है, जैसे ये सब एजेंट का कमीशन परसेंटेज है, ये जो आवर कमीशन यानी आपकी कमीशन परसेंटेज है, तो आप बैकस्पेस की प्रेस करके उसको एडिट कर सकते हो। ये ट्रांसपोर्ट आ गया, एंटर मारा फ्रॉम सूरत टू मुंबई, सूरत से मुंबई जाएगा मटेरियल। LR नंबर आपने लिखा यहाँ पे, LR डेट आपको लिखना है, आइटम्स का डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगा जो भी आइटम है, यहाँ पे एंटर। अभी ये हमने शेड्यूल वाइज एंट्री किया था इसलिए वो 2 बार क्वांटिटी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो जो मटेरियल डिस्पैच हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है, जैसे ये 1 तारीख का शेड्यूल डेट था, ये 2 तारीख का शेड्यूल डेट है। सपोज ये पहला वाला गया है, तो मैंने यहाँ पे उसको मैं मतलब यहाँ पे वो रखूंगा, उसकी जो भी क्वांटिटी है, आपको अगर क्वांटिटी एडिट करना है तो कर सकते हो। रेट आ गया, रेट एडिट करना है तो भी कर सकते हो। अब ये वाला अभी तक नहीं डिस्पैच हुआ है 2000 मीटर, तो यहाँ से आप उसको एंड ऑफ लिस्ट कर सकते हो, को एंड ऑफ लिस्ट करना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये एंटर एंटर में प्रेस कर रहा हूँ, फिर जो भी आपका दूसरे जो भी लेजर से IGST पैकिंग फॉरवर्डिंग वॉट एवर वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। एंटर 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 न्यू रेफरेंस रखना है और यहाँ पे जो सेलर का इनवॉइस नंबर है वो आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप मैन्युअली यहाँ पे आपको उसको टाइप करना है। एंटर 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 एक्सेप्ट। इस तरह से सेल्स की एंट्री करनी है। एंट्री सेव होने के बाद आपको इनवॉइस का प्रिंट का ऑप्शन आएगा, प्रिंट करना है यस और नो, अगर प्रिंट करना है तो यस करना है। तो सबसे पहले ऐसा एक ट्रांसपोर्टर कॉपी इसमें से प्रिंट होगा, उसके बाद ये ऐसा एक बायर कॉपी प्रिंट होगा, उसके बाद एक सेलर कॉपी प्रिंट होगा। अब जो भी एंट्री सेल्स के होते हैं वो सारे कमीशन एजेंट मेनू में जाके वाउचर रजिस्टर में ये जो सेल्स वाला ऑप्शन है वहां से आप सारे देख सकते हो। सारे सेल्स के एंट्री यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, यहाँ से एंटर करके आप उसको ओपन करके एडिट भी कर सकते हो, या दोबारा प्रिंट करना है तो इसको ओपन करके यहाँ से आपको प्रिंट करना है। अब इस रिपोर्ट में देखिए कि ये जो है सेल्स रजिस्टर है,
डेट आ गया, बायर का नाम आ गया, सेलर नेम आ गया, सब एजेंट नेम आ गया, एंट्री डेट, एलआर नंबर, एलआर डेट, ट्रांसपोर्ट का नाम, कितना क्वांटिटी, सेलर इनवॉइस नंबर और बिल अमाउंट आ गया। अब यहाँ से आप उसको अगर आपको फिल्टर करना है तो जैसे यहाँ पे सब एजेंट से भी आप फिल्टर कर सकते हो, और ये कस्टमाइज फिल्टर करके एक बटन है वहाँ पे, आप ये जो फ्रॉम एंड टू डेट है वो एंट्री डेट का है, तो यहाँ पे जो आप डेट लिखोगे उस डेट के बीच में एंट्री हुआ है उतने सेल्स इनवॉइस यहाँ पे डिस्प्ले होंगे आपको। बिल नंबर से फिल्टर करना है तो बिल नंबर से फिल्टर कर सकते हो, एलआर नंबर से फिल्टर करना है तो ये वाली रिपोर्ट आप एलआर नंबर से फिल्टर कर सकते हो। तो आपको इस तरह से इस मॉड्यूल में सेल्स की एंट्री करनी है। थैंक यू वेरी मच।